वर्चुअल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर एंड्रॉयड फोन की एक ऐसी कूल ट्रिक के बारे में बताऊंगा और ये जो ट्रिक जो है ना आपको डे टू डे लाइफ में ये ट्रिक का फायदा उठा सकते हैं, क्योंकि दोस्तों हम सभी मोबाइल के अंदर तरह तरह का ट्रिक को यूज करते हैं। बहुत सारा आपने ट्रिक को यूज किया होगा, लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगा कुछ डिफरेंट मैं ट्रिक बताने वाला हूं। और ये जो ट्रिक है ना अपने मोबाइल फोन के अंदर यूज करते हैं तो आप इस ट्रिक का फायदा इतना उठा सकते हैं और मेरे कॉमेंट के अंदर बोलेंगे कि यार इसी ट्रिक का तो मुझे कई वर्षों से इंतजार था लेकिन आज जाके पता चला। दोस्तों यदि जानना चाहते हैं कि एंड्रॉयड फोन के अंदर ऐसी कौन सी ट्रिक है तो आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, मैं कर लेता वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है सितारे और आप देख रहे हो हटोगा यूट्यूब चैनल। दोस्तों देख सकते हैं मेरा मोबाइल फोन और चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ऐसी कौन सी मोबाइल ट्रिक है। तो दोस्तों यदि जानना चाहते हैं ना तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल बटन दबा दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करें और कॉमेंट में लिखे मोबाइल ट्रिक। जी हाँ, तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों मैंने आज की डेट में मोबाइल की जो टॉर्च है ना इसका खुफिया ट्रिक मैंने बताया हूं। वो वीडियो नहीं देखे तो जाकर के देख लीजिए, आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों आपको मैं ट्रिक में बताने जा रहा हूं। जैसे कि मैं यहां पे यूट्यूब ओपन हूं और मैं चाहता हूं व्हाट्सएप को अंदर मैं जाना चाहता हूं, तो क्या करूंगा मैं ट्रिक को यूज करने वाला थ्री डॉट पे क्लिक करूंगा, ये जो देख रहे ना, और यहां पर क्लिक करूंगा व्हाट्सअप के आइकन पे, तो मैं व्हाट्सअप के अंदर मैं आ चुका हूँ। जी हाँ, और मैं चाहता हूँ कि दोस्तों इसके अंदर जो है ना व्हाट्सअप को मैं क्लोज ना करूँ, मैं कैलकुलेटर को ओपन करूँ तो कैलकुलेटर के अंदर जा सकता हूँ, और फिर चाहता हूँ कि मैं अमेज़ॉन के अंदर जाऊँ तो फिर से अमेज़ॉन ओपन हो जाएगा, मैं चाहता हूँ कि फिर से व्हाट्सअप के अंदर जाऊँ तो फिर से मैं व्हाट्सअप के अंदर जा सकता हूँ। कुछ यूनिक तरीके से यानी कूल ट्रिक की मदद से जो है ना आप बिना एप्लीकेशन को क्लोज किए आप उस एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो ये सब मैंने कैसे किया और आप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल है दोस्तों, एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। सिंपल है दोस्तों, आपको एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है टूल बॉक्स। इस ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्लिक करके इस ऐप को इंस्टॉल करना होगा। तो ऐसे इंस्टॉल करने के बाद ये ऑफ होगा ना, तो इसे अनेबल कर लीजिए। अनेबल करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं कि ये जो फ्लोटिंग है ना इस तरह का आ जाएगा, ये बंद होगा ना, इसे अनेबल करने का तो आ जाएगा। आने के बाद दोस्तों आपको सिंपल क्या करना होगा, ये जो देख रहे ना सिलेक्ट ऐप, इस पर क्लिक करना होगा। तो जैसे क्लिक करने के बाद ये जो अमेजॉन मैंने सिलेक्ट किया था इसको हटा देता हूँ। यदि आप कोई भी और एप्लीकेशन को यहाँ पर डाल चाहते, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे कैलेंडर का डाल दिया और यहां पे मैं डाल देता हूं क्रोम ब्राउजर। जैसे डालने के बाद दोस्तों ऑटोमेटिक जो है ना यहां पे ऐड हो जाएगा, जैसे कि यहां पे देख सकते हैं मैंने यहां पे ऐड किया क्रोम और यहां पे देख सकते हैं कैलेंडर। तो मैंने कैलेंडर को ओपन किया और मैं चाहता हूं कि जैसे कि मैं व्हाट्सएप के अंदर जाना चाहता हूं तो मैं व्हाट्सएप के अंदर जा सकता हूं। और ये जो फ्लोटिंग है ना कहीं पर भी आप इसे रख सकते हैं। जी हाँ, तो आप इस तरह से आप कूल माइंड होकर के कूल ट्रिक को होकर के जो है ना आप बिंदास अपने फोन को जो है यूज कर सकते हैं कुछ अलग तरीके से। और ये फ्रेंड आपका देख लेगा ना तो सचमुच आपसे जरूर पूछेगा एक चीज कि ये चीज आपने कैसे किया। दोस्तों उम्मीद करता है वीडियो पसंद है, वीडियो पसंद वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को लीजिएगा सब्सक्राइब, साथ में घंटी को दबाना बिल्कुल ना भूले। तब तक लिए ध्यान रखिए दोस्तों, टेक केयर एंड गुड बाय।